अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान गैर मशरूत तौर पर तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर ली। तफसील के मुताबिक पाकिस्तान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनने या तस्लीम करने के लिए हमारी कोई शर्त नहीं है। हमने हमेशा अफगानिस्तान हुकूमत के लिए और आवाम के लिए अमन की हिमायत की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से इनखला करने पर बुनियादी सहूलत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ ग्रुपों की सरपरस्ती के लिए इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, इन्हें मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान हमेशा पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अफगान मसले पर दुनिया से रबते में है और चाहता है कि दुनिया अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। इस वक्त दुनिया और पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये बात दुरुस्त नहीं कि दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जरूरत नमाज सैयद अली हैदरगनानी नमाज पर भारत जारियत की मजम्मत करते हैं। भारत ने जरूरत रहनुमा सैयद अली गिलानी के अजीज़ वक़ार को नमाज जनाज़ा में शिरकत करने से रोका और शिरकत करने वालों पर ताकत का इस्तेमाल किया। ये भारत के इंसान इकदाम की खुली खिलाफ वर्जी है। दफ्तर ख्वाजा ने अपने बयान में कहा कि भारत दहशतगर्दों की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, ये थी अहम तरीन खबर, इसके साथ दीजिए।